कलर की लाइट पसंद की। और कितना प्यारा लगता है काफ्तान ये कुर्ता। ये वाले अनार लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग वो धनतेरस की शॉपिंग करने मार्केट जाएंगे, तो आप लोगों को सारा दिखाएंगे मैं मार्केट से क्या शॉपिंग करके लाई। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम सब लोग तैयार हो चुके हैं, तो चलिए अब निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए मार्केट कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है और कितनी अच्छी चीज़ें आ रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मम्मी के स्पेक्स बनवाने आए हैं कि दूर के स्पेक्स बनवाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेम देख रहे हैं, मम्मी को फ्रेम दिखा रही है, मम्मी पसंद कर रही है फ्रेम, और कौन सा पसंद आएगा वो फिर उसमें मम्मी के लिए फ्रेम लगवा देंगे। तो ये देखिए चेक कर रहे हैं अभी मम्मी। ये देखिए आज तो यहाँ पार्किंग भी नहीं है, सब शॉपिंग करने आए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब पहले गाड़ी खड़ी करेंगे कहीं पर, फिर जाके शॉपिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने पार्किंग लगा दी और अब हम जा रहे हैं सुपरमार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है और दिवाली का शॉपिंग करनी है। तो देखते हैं क्या लेंगे, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम सुपरमार्केट से शॉपिंग करके ले आए हैं और अब बस पूजा का सामान लेना बाकी है, और घर पे जाके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई। तो दोस्तों अब हम लोग लेने आए हैं मिठाई दिवाली की, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी और प्योर मिठाई मिलती है। जोधपुर मिष्ठान भंडार वैशाली नगर में आए हैं। इस दुकान की मिठाई एकदम प्योर है, बहुत भीड़ रहती है और हर टाइप की मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ पे, और बहुत टेस्टी होती है इनकी मिठाइयाँ। ये 15 लाइट्स ले ली, खराब हुआ तो जाना पड़ेगा, और वैसे ही भीड़ है। ये यहाँ पे हम लोग पूजा का सामग्री देख रहे हैं पूरी, जो भी दिवाली पे यूज होती है, तो जौन सा सही लगेगा वो लेंगे। तो ये पूजा का सामान है पूरा, और फोटो के साथ आता है ना वो देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पटाखे खरीदने आए हैं, ज़्यादा पटाखे नहीं लेंगे, थोड़े बहुत लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पटाखे लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने 3 टाइप के पटाखे ले लिए, घर जाके दिखाएंगे आपको। ये यहाँ पे मैं और मम्मी गन्ने लेने गए हैं जो पूजा में यूज होते हैं। ये दोस्तों हमने गन्ने ले लिए, ये देखो कैसे रखे हैं, आधे खिड़की के बाहर और आधे अंदर। और हमने पूरी शॉपिंग कर ली है, घर जाके आपको दिखाऊंगी क्या क्या खरीदा है मैंने पूरा आपको, और मिलते हैं अब आपको बाद में घर जाके। ये देखिए इस टाइप से हमने रखा अंदर इसको, कितना लंबा है ये देखो ऐसे पूरा आगे तक। तो दोस्तों हम लोग मार्केट जाके आ चुके हैं, 4 बज गए हैं, हमें 4 बज गए आते आते। और फिर उसके बाद अभी हमने चाय वगैरह पी है, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो पहले तो जो धनतेरस के लिए जो हम लेके आए वो ये है, ये आपको फोटो दिख रही होगी, और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि क्या लेके आए हम। ये देखिए छोटे छोटे से ये, और ये, और स्पून भी है इसके साथ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसमें क्या होता है कि गेस्ट वगैरह आते हैं तो नमकीन वगैरह डाल के रख दो, और उनके सामने कटोरी से ये ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। मैं आपको पूरा सेट बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लगता है। ये देखिए 2 तो ये हैं, और एक ट्रे भी है इसके साथ, और 2 स्पूनस हैं। नमकीन वगैरह या कुछ भी डाल के दो, गेस्ट के आगे रखो, तो देखिए कितना अच्छा लुक आता है और कितना प्यारा लगता है। और ये हर साल यूज में आने वाली चीज है। तो मैंने तो धनतेरस पे ये लिया है, आप लोगों ने क्या क्या लिया है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे और क्या लिया है मैंने। सेकंड मैंने अपने लिए एक ड्रेस ली है, काफ्तान लिया है, जो कि ऐसा दिखता है, ये उसकी फोटो है, पूरा सेम ऐसा ही है, और कॉटन का है काफ्तान। और मैं इसको कभी पहनूंगी तब आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। और नॉर्मल है, कोई प्रिंटेड है इसमें, कोई कढ़ाई वढ़ाई का कोई काम नहीं है, और सूती है। तो सेकंड ये था। अब थर्ड आउटफिट एक और लिया है मैंने, जो दिवाली पे मैं पहनूंगी, ये कुर्ता लिया है। ये भी सिंपल सा ही है, इसमें भी प्रिंटेड है
और हाफ स्लीव लेंथ से ज़्यादा इसकी बाजू है, और बाजू पे ये देखिए पाइपिंग की हुई है। और तो ये मैं आपको पहनूंगी तब इसका लुक अच्छे से दिखेगा, क्योंकि दिवाली के दिन मैं यही पहनूंगी, तो आप लोग तब देख लीजिएगा। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं हम दिवाली के लिए। क्रैकर्स लेके आए हैं, पटाखे, पटाखों में हम लेके आए हैं ये अनार लेके आए हैं, सॉरी। तो गाइस अब हम मैं बताती हूँ आपको क्या क्या पटाखे लेके आए। तो पहले तो हम ये लेके आए रॉकेट, ये रॉकेट लेके आए, बड़ी वाली फुलझड़ी लेके आए, और अनार लेके आए हम, दूसरे वाले अनार लेके आए, पर ये वाले अनार लेके आए हैं इस बार। देखते हैं कैसे होते हैं, तो इस बार कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो ये तो हम लोग क्रैकर्स लेके आए थे जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और हम लेके आए एक ब्लफ लेके आए, चार्जिंग ब्लफ होता है जो लाइट जाने के बाद भी चसता है, और हम लोग लेके आए हैं लाइटिंग करके, ये मैं वो दिखाती हूँ। तो हम लोग लाइटिंग लेके आए हैं, ये मिर्ची लाइट, ये मिर्ची लाइट लेके आए, और ये 15 लाइट्स लेके आए हम लोग। स्लाइडली ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी कैसा लगेगा घर। और एक ही कलर के लेके आए, येलो कलर, और ये लाइटिंग लगाने के लिए कंडक्टर्स इनके जो होते हैं वो लेके आए हैं एक पीस, और एक हम लोग लेके आए कोब लाइट के लिए, हमारे पास कोब लाइट रखी हुई थी तो वो भी लेके आए, उसका भी कंडक्टर लेके आए जो कि ये है। तो और तो बस यही शॉपिंग की है हमने आज के लिए, और तो आपको लाइटिंग वाइटिंग वो तो मैं आपको अभी शाम को करेंगे तब आपको बताऊंगी। नेक्स्ट ब्लॉग में दिवाली वाला जो ब्लॉग आएगा उसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग पूजा का भी सामान ले आए जो हमको चाहिए होता है, जैसे पूजा के लिए फोटो और उसकी पूरी सामग्री लेके आए, और गन्ने लेके आए दो, और उसके बाद जो खेल खिलौने होते हैं जो पूजा के लिए यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें लेके आए हैं। तो और आपको ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं अपना ब्लॉग, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे जो कि होगा दिवाली ब्लॉग, जो कि आपको उसमें सब कुछ देखने के मिलेगा, कैसा डेकोरेशन हुआ है, कैसी क्या चीज़ हुई है, और पूजा वगैरह का पूरा उसी में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।